इन आठ लोगों पर मुसीबत अतिशीघ्र टूट पड़ती है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे आठ लोगों के बारे में जिन पर मुसीबत अतिशीघ्र टूट पड़ती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जेठ की तपती दोपहरी में एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए एक शेर आया। वो शेर पानी पीने ही वाला था कि उसी समय दूसरी तरफ एक भालू आ गया। भालू भी प्यासा था, वो भी पानी पीना चाहता था। नदी का किनारा इतना बड़ा था कि हजारों जानवर एक साथ खड़े होकर पानी पी सकते थे, परंतु वे दोनों अपने अपने घमंड में चूर थे। इसलिए शेर ने चिल्लाते हुए भालू से कहा, अबे ओ भालू के बच्चे, जानता नहीं मैं जंगल का राजा हूं। मुझसे पहले इस नदी के जल को मत पी लेना, पहले मैं पानी पी लूं, उसके बाद मेरा जूठा पानी तू पीना। सलामती चाहता है तो पीछे हट जा। दर्शकों, शेर के घमंड युक्त वचन सुनकर भालू गुस्से से पागल हो गया और शेर पर अकड़ते हुए बोला, अरे जा बड़ा आया जंगल का राजा बनने वाला, पता भी है तुझे मैं कौन हूं? मैं इस जंगल का भालू हूं। तू तो केवल जमीन पर ही उछल कूद कर सकता है, पर मैं तो पेड़ पर भी चल सकता हूं, इसलिए मैं जमीन और आकाश दोनों का राजा हूं। भालू बोला शेर को, इसीलिए तू पीछे हट जा, पहले मैं पानी पी लूं, मेरा जूठा पानी तुझे पीने को मिलेगा। जब तक मैं पानी ना पी लूं तब तक पानी पीने की भूल भी मत कर देना। भालू की ललकार सुनकर शेर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने उछलकर भालू पर आक्रमण कर दिया। शेर के हमले से भालू बुरी तरह घायल होता जा रहा था। अब वह भी कहां चुप बैठने वाला था। संभलकर भालू ने शेर पर ऐसा वार किया कि शेर कलाबाजी करता हुआ दूर जा गिरा। फिर क्या था, दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होने लगा। दोनों में अद्भुत ताकत सिर्फ व्यर्थ किसान के लिए। दोनों अपना अपना लहू बहा रहे थे। दोनों ही बड़े घमंडी थी, अपने नुकीले दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से एक दूसरे को घायल किए जा रहे थे। चोट पर चोट करते करते बहुत देर हो गई, पर दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी भयंकर लड़ाई देखकर जंगल के सारे कव्वे और गिद्ध हाकर ऊपर मंडराने लगे। आसपास के वृक्षों पर बहुत से गिद्ध हाकर बैठ गए। वो ये सब तमाशा देख रहे थे कि कब ये लड़ते लड़ते दोनों मरेंगे, तब हमें पेट भर के भोजन करने को मिलेगा। वे सारे कव्वे और गिद्धों को बस उसी क्षण का इंतजार था, इसीलिए वे सब भालू और शेर की ओर दृष्टि गड़ाए हुए थे। लड़ते लड़ते शेर और भालू ने देखा कि जंगल के सारे कव्वे और गिद्ध इस दोपहरी में यहाँ क्या करने आए हैं। अब वे दोनों भली भांति समझ चुके थे कि ये सब इस इंतजार में बैठे हैं कि हम दोनों कब मरे, तब ये हमारे मांस को नोच नोच कर खा जाए। यही सोचकर उन दोनों का क्रोध शांत हो गया और वे आपस में कहने लगे, हे भाई, इन हजारों चील कौवा और गिद्धों का भोजन बनना है तो हम तुम आपस में लड़ते रहो, इन सबकी दृष्टि में हम दोनों महामूर्ख बन रहे हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम अपनी शान प्रतिष्ठा को भुलाकर लड़ाई लड़ना बंद कर दें और साथ साथ खड़े होकर के दोनों लोग पानी पिए, क्योंकि जब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तब ऐसे अवसर का लाभ तीसरे पक्ष के लोग उठाने में पीछे नहीं रहते हैं। दर्शकों, वे दोनों सोचने लगे, यदि हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो अपने शत्रुओं को हमला करने का मौका दे देते हैं। भालू कहने लगा, शेर भाई, तुम भी इसी जंगल में रहते हो और मैं भी इसी जंगल में रहता हूँ, इस नाते से हम दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बात को गंभीरता पूर्वक समझ लीजिए। दर्शकों, सोच विचार करने के बाद शेर और भालू ने साथ साथ खड़े होकर के भरपेट पानी पिया और जिधर से आए थे उधर ही चले गए। गिद्ध और कौवे भी अपने अपने घरों को लौट गए।
कहानी का तात्पर्य ये है कि आपस की लड़ाई में हमेशा तीसरा ही फायदा उठाता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें भली भांति ध्यान में रख लेना चाहिए। नंबर एक, जो एक चीज पर दो व्यक्ति अपना अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वे एक दूसरे के इच्छित कार्य को भी नष्ट करा देते हैं। ये दोनों भाव शत्रुता कराने वाले होते हैं। नंबर दो, शत्रु हमेशा तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जो आपके समक्ष लड़ता है, दूसरा वो जो आपसे दूर रहकर आपका नुकसान करता है, और तीसरा वो जो आपके समक्ष भी रहता है और वार भी नहीं करता है। वे सिर्फ मीठी वाणी और कपट बुद्धि का आश्रय लेते हैं। नंबर तीन, मनुष्य को समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जब तक शत्रु संकट से बचने का कोई उपाय ना कर ले, तब तक किसी को पता ना चलने देना। कौवे और गिद्ध की तरह दोनों तरफ का व्यवहार रखना चाहिए। दिखावे में कुछ और करने में कुछ और हो। नंबर चार, कहते हैं उपाय करने से कठिन लोहे को भी पिघलाया जा सकता है। वैसे तो जल अग्नि को बुझा डालता है, पर उपाय से काम लिया जाए तो अग्नि भी पानी को सूखा देती है। उपाय से ही पागल हाथी के मस्तक पर पैर रखा जाता है। नंबर पांच, जिस कलह के करने से यदि अपना कोई कार्य सिद्ध होता हो तो ही वो अच्छी है, अन्यथा ये कलह आयु, धन, मित्र, यश और धर्म को सदैव हरने वाली होती है। जिस तरह जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती है और इकट्ठी होने पर जल उठती है, उसी तरह आपके जाति भाई बंधु फूट होने पर दुख उठाते हैं। नंबर सात, कलह करना मूर्खों का काम है, बुद्धिमान पुरुषों को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों को अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर आठ, जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख गुणों में दोष देखने वाला है, अधर्म करने वाला है, बुरे वचन बोलने वाला है, क्रोधी है और अहंकार में चूर रहने वाला है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ टूट पड़ता है। व्यर्थ की कलह करने वाले इन आठ लोगों पर अतिशीघ्र मुसीबत टूट पड़ता है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।